जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी मेरे देखने वाले बहन भाई कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। जी आज का व्लॉग बना रहे हैं और ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, बताइएगा कि जो किचन हमने सेटिंग करनी है तो किस तरह करें, तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा और हमारे साथ रहिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज जो है वो वीडियो हमने बहुत ही मेहनत की है, तो बच्चे स्कूल गए हैं पहली दफ़ा, तो दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ अब जो मौसम गर्मा है इसमें हर रोज़ आए दिन अंधेरी जो है ना वो आती है, तो बस ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा। चले जी ब्लॉग का आगाज कर रहे हैं, जरूर देखना। अच्छा जी, बच्चों ने रक्षे जी बिठाया वा तो अदन माँ स्कूल चलिया पहले दिन। जी रेहड़ी का टायर पंचर हो गया, हर रोज़ ही हो जाता। हूँ मेरा इरादा वा कि नवा टायर तो जरा ना नवा रिम जरा ना लिया के पा दें। अज मैं एक भाई ने फोन किया, मैं क्या यार मेरी जान छड़वा तो जरा ना तुसी इस तरह करो, रिम भी ले आओ तो टायर भी ले आओ रक्षे वाला। रक्षे वाला टायर हाँ जी ड्रम डबल हो गए। हाँ जी, मैं क्या भी मैं ड्रम हौला बिठा जाना। जी मैं क्या भी तुसी ना ले आओ तो ताकि जरा मिस्त्रियों का काम ये टायर काढ़ नहीं करता पे। फरिश साफ किया वा, सारा झाड़ू लगाया वा, तो हुण मैं लहसुन पिया वा कट के भुक्कां दी टोकरी च पाउंदी आं, तो सुक गया वा। हुण इस रूम च लैंदी आं टोकरी, लहसुन टुक टोके ना टोकरी च पाउंदी आं साफ कर करके। अच्छा जी, लहसुन टुक के पा दिया टोकरी च, इन्हें दूसरे रूम च रख दी आं। किचन की कर दी आं साफ सफाई, इत्थे कवे बहुत ज़्यादा गंद पाते हैं सारी दिहाड़ी बैठे ना, ते वो साफ सफाई कर दी है देखें। अच्छा जी, बर्तन धो ले है, छोटा सिलेंडर धोन तो लगी सी बहुत ज़्यादा गंदा वा, तो इन हूँ कलर करवावे जंगाल जहाँ जिन जंग कहते पैंता पिया वा। यह सारी जगह धोती जिते बर्तन धोई दे, तो हूँ मैं यह सारी फर्श की सफाई कर दी। चार पाई तो चुकायो मेरे ना। चंगा किया वाशरूम जरा ना हूँ ऐसा लगता जिस तरह हूने जरा ना हूँ बनया हों, यानी कि अज सही ये चमक आ रही है जी, बहुत जबरदस्त हो गया। हैं नहीं पड़ोले च नहीं पानी पैंदा। हाँ तो धो तो के रखना वा बिल्कुल। ये भी धो तो दिता, चंगा किया, चलो इनू कलर करवा देंगे, इनू कलर करा देंगे। हाँ जी अच्छा, जगह ते ना सर्फ सर्फ मार सर्फ दे नाल जड़ा ना असल साड़ा किचन ओपन आ ना, इस करके जड़ा ना कवे बहुत ज्यादा आंदे आ। इस करके आ जड़ी तार है ना, मैं तार नहीं रखना चाहता इत्थे। चलो हो सकता सवाब भी तो तेन मिलता हो। हाँ जी
हाँ मैं चार वाले मोड़ ते जा रहे बस कदे किधर हो कहिंदे अज साडा आखरी दिन आ तैनूं नठा के जिहड़ा ना थका देना अज मिस्त्री कहिंदे असीं बस अज लास्ट डे आ साडा। हाँ जी ज्ञान नूं मैं नाल तां लै जां लेकिन मैं जल्दी जाना ते जल्दी आना। हाँ जी उधर पैप चलता पिया वा उत्ते छत ते जिहड़े ओह बणाए आ ना उन्हां नूं पाणी ला रहे ने। चलो ओए लग गया जुल्फकार पानी बस ठीक है मैं बंद कर दिया। चाची जी की वाकई बहुत ज्यादा याद आती है चाची जी जी ना हर काम जो माशाल्लाह नट के कर दे सी। हाँ जी अच्छा बस इतने चलो मैं ले आना चलो। हाँ जी जी की करन लगे हो अच्छा गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है बहुत धुप हो गई है। जो पिछली दफा इतने फर्श होता सी ना वेपर पानी भुल गई वो जड़ा पानी इतने खड़ा सी वो जम के हरा हो गया। आज सारा कटिया बिल्कुल आ देखो फर्श साफ हो गया वा ते हुण इतने सिलेंडर चूल्हे रख लेने बंदा खा पका के ते कोल ही बर्तन बर्तन धोने वाले वो कहंदा भाई कहंदा कि इस जगह ते ना मैं तुहानू इह ला दिंदा जी है ना बराबर कर देना चौकी बना देना। हाँ बर्तन वाला इतने स्टैंड रख लेना। हाँ जी हाँ जी मिट्टी मेरे पैरों लगी हुई है सियान आ गया बच्चों तो भी किस तरह का रहा उन्हां दा पहला दिन चूल्हा रख दिए सिलेंडर का 6 फुट पाइप इतने तक भी सिलेंडर आ जाना चाहे इधरली साइड ते रख लो सिलेंडर ते चलो जी ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾੜਨਾ ਇੰਨਾ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੇ ਵਾਕਈ ਧੁੱਪ ਕੇ ਨਾ ਫਰਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਧੁਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਪਰਲੀ ਸੈਟ ਤੋਂ ਗਿਰਾਜ ਤੱਕ ਧੋ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ।